दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम आलू की कचौड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। ये थोड़ा सा तेल ले लिया है, 3 आलूओं को उबाल करके और छिलका उतार लिया है, 2 हरी मिर्ची को बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची, अजवाइन, अमचूर पाउडर, सूजी, मैदा, नमक, गरम मसाला और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर 2 चम्मच। ये देखिए, एक बर्तन ले लेंगे, परात ले लेंगे, हमने पहले से ही छान लिया था सूजी को, मैदा इसको भी छान करके ही रख लिया था और ये अजवाइन, इसको हम थोड़ा सा हाथ से इस तरह क्रश कर लेंगे और इसको भी ऐड कर देंगे इसी में, नमक, नमक स्वाद के अनुसार और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब डालेंगे तेल, तेल डाल के और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों हाथों से इस तरीके से इसकी पूरी गुठलियां तोड़ ली है और पूरी हमारी इसमें जो तेल है और ये सब बढ़िया मिल गया है। अब थोड़ा सा बाइंड करेंगे ऐसे ही करके। ये देखिए, हम इतना ही तेल से ये बहुत अच्छा हो रहा है, इससे बहुत खस्ता कचौड़ियाँ बन करके तैयार होती है। अब चलिए हम चलते हैं, पानी डालते हैं थोड़ा सा इसमें, पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके और फिर डोल तैयार करेंगे आटे का। ये देखिए, हमारा डोला करके तैयार हो गया है। इसको ज्यादा ज्यादा टाइट नहीं लगाना है, इस तरीके से ही लगाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा करके और इसको ढक करके रख देंगे। अब इसको रख देंगे साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। ये हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है और तेल थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे मिर्ची और इसे थोड़ी देर चटकने देंगे। अब डालेंगे धनिया पाउडर और इसे चला लेंगे और गैस को मंद कर देंगे। लाल मिर्ची, अमचूर पाउडर, फिर इस तरीके से चला देंगे और गरम मसाला, इन सबको मिक्स करके और इस तरीके से चला लेंगे। अब डालेंगे आलू, आलू को हमने मैश कर लिया था हाथों से। अब डाल देंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार आप अपने हिसाब से नमक ले सकते हैं, कम ज्यादा। इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। आलू का अच्छे से भूनने से कचौड़ी में सब थोड़ा सा स्वाद आता है, तो इससे कचौड़ी अच्छी लगती है। ये आलू हमारी भून चुकी है, ये स्टफिंग हमारी पूरी तैयार हो चुकी है और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पर। ये हम प्लेट को खोल कर भी चेक करेंगे कि आटा हमारा फूल गया है कि नहीं। ये देखिए, आटा हमारा फूल चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। अब इसकी लोइयां तोड़ करके रख लेंगे। देखिए, एक लोई उठाएंगे और इसको इस तरीके से बड़ा कर लेंगे और थोड़ा सा इसको हम बेल लेंगे। इसको इतना बड़ा कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्टफिंग, इसको आलू को उठाएंगे इसमें और इसे थोड़ा सा इसको दबा देंगे। और इनको सबको पकड़ कर फिर इनका मुंह बंद कर देंगे तरीके से और आलू को अंदर की तरफ से जाएंगे और ये अच्छे से बंद कर देंगे और इसको इस तरीके से दबा करके और ऐसे कर देंगे। ये देखिए, और हम इसको चारों तरफ से हाथों से दबा करके और बड़ा कर देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें बेल भी सकते हैं और नहीं तो ऐसे इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। हमारी एक कचौड़ी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरीके से सारी कचौड़ियों को बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। अब हम चलते हैं इसको तलने के लिए। देखिए, गैस पे तेल चढ़ा दिया है और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। थोड़ा सा आटा का टुकड़ा डाल करके चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तेल गर्म हो गया है, हमको इतना ही गर्म तेल चाहिए कचौड़ियों के लिए, तेल ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। अब हम इसको निकाल लेंगे और डाल देंगे कचौड़ी, एक एक करके कचौड़ी डालेंगे और इसे पकने देंगे। ये देखिए, कितनी अच्छी हमारी कचौड़ी फूल करके तैयार हुई है। इसे थोड़ा देर और पकाएंगे, अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे इसको और गैस को मंद कर दिए हैं।
निकालेंगे इस तरीके से करेंगे ताकि उसका तेल पूरा निखर जाए। ये हमारी कचौड़ियाँ बनकर के तैयार हैं। बनाने में बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं।